नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। इस पूरी आईपीएल में बहुत बहुत शानदार ऐसे लम्हे हमने देखे हैं, फील्डिंग के लम्हे जिस पर खड़े होकर तालियां बजाने का मन किया। मतलब ग्राउंड में तो कम से कम जो स्टाफ मौजूद था उसने वो अपने आप को रोक नहीं पाया तालियां बजाने से। कल भी ऐसा ही एक फील्डिंग एफर्ट हमें देखने को मिला। इससे पहले आपको याद होगा इस पूरे आईपीएल में कई सारे ऐसे फील्डिंग एफर्ट्स रहे हैं जिसकी पूरी दुनिया में क्रिकेट प्रशंसक तारीफ कर रहे थे। याद होगा आपको निकोलस पोरन ने जो शानदार फील्डिंग की थी, जॉन्टी रोड्स तक ने खड़े होकर सजदे में जॉन्टी रोड्स झुक गए थे और फिर वो वीडियो खूब वायरल हुआ था जब निकोलस पोरन ने बाउंड्री पर खड़े खड़े डाइव लगाई, हवा में कैच पकड़ा, हवा में ही बॉल को अंदर ढकेल दिया और उस एफर्ट से उन्होंने वो छक्का बचा लिया था। हालांकि वो जो मैच था वो किंग्स इलेवन पंजाब हार गई थी, उनके उस छक्के को बचाने से कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन कल के मैच में एक ऐसा अभूतपूर्व, ऐसा ऐतिहासिक, ऐसा अद्भुत फील्डिंग एफर्ट हमें देखने को मिला जिसकी वजह से किंग्स इलेवन पंजाब मैच जीत गई, जिसने सीधा असर मैच के नतीजे पर डाला और यह फील्डिंग एफर्ट था मयंक अग्रवाल का। अगर आपने नहीं देखा है तो हम आपको दिखाते हैं। मयंक अग्रवाल दरअसल फील्डिंग कर रहे थे और चल रहा था सुपर ओवर। दूसरे सुपर ओवर की आखिरी गेंद पर कायरन पोलार्ड ने लो फुल टॉस बॉल को मिड विकेट की तरफ मारा। मयंक अग्रवाल बाउंड्री पर खड़े थे और ऐसा लग रहा था एक समय पे कि बॉल आराम से बाउंड्री को पार कर जाएगी, सिक्स हो जाएगी। लेकिन मयंक अग्रवाल के इरादे कुछ और ही थे। बॉल आई और ऐसा लग रहा था कि बॉल उनके बहुत ऊपर से निकल जाएगी। मयंक अग्रवाल हवा में उड़े सुपरमैन की तरह, हवा में कैच किया और हवा में रहते रहते ही बॉल को अंदर धकेल दिया। फिर बगल में खड़े रवि बिश्नोई ने उस बॉल को बॉलर की तरफ फेंक दिया। इस बीच बैट्समैन सिर्फ और सिर्फ दो रन ले पाए। जहां वो बॉल छक्का जा सकती थी वहां सिर्फ और सिर्फ दो रन गए। इस वजह से मुंबई इंडियंस आईपीएल के दूसरे सुपर ओवर में, इस मैच के दूसरे सुपर ओवर में 11 रन ही बना पाई। और सोचिए कहां 11 रन, और अगर ये छक्का चला जाता तो हो जाते 15 रन, फिर 16 रन बनाने पड़ते किंग्स इलेवन पंजाब को, जो कि T20 में कह सकते हैं कि बहुत फिर मुश्किल हो जाता क्योंकि सामने ट्रेंट बोल्ट थे। लेकिन सिर्फ 11 रन तक रोक दिया इस फील्डिंग एफर्ट ने। इसी वजह से 12 रन बड़े आराम से बना लिए किंग्स इलेवन पंजाब ने और वो मैच जीत गई। तो कई सारे फील्डिंग एफर्ट्स लगातार जो है इस आईपीएल में देखने को मिल रहे हैं, जो सोशल मीडिया की सुर्खियां भी बन रहे हैं, अखबारों की भी सुर्खियां बन रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आप भी देखिए इस कैच को और एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।